हो भाई। हेलो जी, वेलकम टू अनदर फूड ब्लॉग। देखिए, अगर आप कोलंबो में आए हुए हैं और खाने के लिए आपको बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो एक जबरदस्त स्ट्रीट है यहाँ पे जो कि फूड स्ट्रीट है और जहाँ पे हर तरह के खाने मिल जाएंगे, चाहे वो इंडियन हो या श्रीलंकन हो, और स्पाइसी भी, वो आपको कराची वाला भी थोड़ा बहुत टेस्ट मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको आना होगा अब्दुल हमीद स्ट्रीट कोलंबो 12। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्दुल हमीद स्ट्रीट पे और दिखाते हैं आपको स्ट्रीट फूड यहाँ का। यार, ये फूड स्ट्रीट बिल्कुल वैसी है जैसे कराची में अक्सर आप देखते होंगे ना, हुसैनाबाद या आप बंस रोड, उसी तरह की यहाँ पे जो है ना एक ये स्ट्रीट है जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स जो हैं उन्हीं के रेस्टोरेंट्स हैं, उन्हीं के छोटे छोटे कैफेज हैं, स्टॉल्स हैं। यहाँ पे बिरयानी भी मिल रही है, बारबेक्यू भी मिल रहा है और बहुत सारे इकसाम है। तो हमने सोचा यार थोड़ा थोड़ा ज़रा हम चखते हुए निकलते हैं ताकि ट्राई भी कर लेंगे और इससे पेट भी भर जाएगा हमारा आज रात को। यार आज एक चीज़ देखिए यहाँ पे, वैसे इनके पास पाए भी मौजूद हैं, बीफ की कड़ी भी है, चिकन कड़ी भी है, फिश भी है, मगर ये एक चीज़ है जिसको कहते हैं कटल फिश। तो ये है वो कटल फिश, ट्राई करें करें ट्राई। ओए होए, ये मटन पाया है और ये अभी किसी के पास जा रहा है पूरी डिश। मेरे ख्याल से फैमिली प्लेटर है ये मटन पाएगी। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, एक मुझे दिखा है मटन के ऑप्शन भी है। अच्छा भाई, ये एक्चुअली मटन के वो जो चुस्ते और जो ओजड़ी होती है ना, ये वो है मटन की और बीफ की। तो मेरे ख्याल से यार वो अभी तो वो मैं ट्राई नहीं करने वाला, मैं ट्राई करने वाला हूँ कटल फिश और एक पराठा लेते हैं और चखते हैं ये कैसा। मैं फर्स्ट टाइम ये कटल फिश खाने लगा हूँ, बट जिस तरह पक रही है ना, अब वो इतनी टेम्पटिंग लग रही है कि मुझे लग रहा है बड़ी जायकेदार हो। यार मैंने सोचा थोड़ी क्वांटिटी होगी और चक चक के आगे निकलेंगे। ये क्वांटिटी आप चेक कर रहे हो, अब एक पराठे से मैं कितना खा लूँगा, बट यार बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। इसमें अंडे भी डाले हुए इन्होंने, ये कोल्सलो भी डाला है, प्याज भी है, बहुत कुछ है। भैया फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने लगा हूँ ये कटल फिश, और ये है कटल फिश। इसको पहले मुझे ये स्क्विड टाइप का टेस्ट आ रहा है, जैसे स्क्विड एक होता है ना स्पंज, मतलब रबड़ हल्का सा कि वैसा लग रहा है, बट यार है चटपटा। तो बिस्मिल्लाह, जबरदस्त। इसमें अंडा भी डाला हुआ है, देख रहे हो अंडा, ये थोड़ा सा यार वैसे देखकर आपको लग रहा होगा चटपटा है, और ये एक्चुअली चटपटा खाना है और हलाल। भैया ये तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी दे दी, अगर ये सब खा गया मैं तो मुझे आगे भूख नहीं लगेगी। अगर मुझसे आप फीडबैक लेंगे ना इसके टेस्ट का, तो मुझे चटपटा पसंद है, मसाले वाला पसंद है, तो उस लिहाज से ये 10 out of 10 है। फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ ये कटल फिश, और मज़ेदार जो इन्होंने बनाया है ना, फुल कंकॉक्शन बनाया है, इसमें अंडा भी डाला है और भी दूसरी चीज़ें डाली है, तो ये बेहतरीन हो गया। तो जब कभी भी आए एक दफ़ा दिल पे हाथ रख के ये ट्राई करिएगा। मैं भी डर रहा था पता नहीं कैसी होगी, बट मज़ेदार है ये, चेक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैं स्क्विड खा रहा हूँ। अरे यार श्रीलंका में एक तो वेदर का कुछ पता नहीं होता, अभी हम खाना खा के निकले और एकदम से हल्की हल्की यहाँ, बल्कि हल्की नहीं, तेज़ होने लगी है बारिश। चलो भाई अभी दूसरा स्पॉट ढूंढते हैं।
पेट हमारा काफ़ी भर चुका है, बट फिर भी अभी यहाँ स्ट्रीट से गुजरे थे तो ये मीट बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा था, तो सोच रहे एक मलाई रोटी जो है ना यहाँ पे भी ट्राई करें कि कैसी होती है। मलाई बोटी यार, वैसे ये जो खाना पीना है ना ये अपनी पार्टी के बगैर अजीब सा लग रहा है, क्योंकि उनके मतलब का खाना है यहाँ पे, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव ये है। अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन करेंगे ना तो यहाँ पे थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा हो गई है, वरना तो बॉस कोलंबो में खाने का सीन और फुल। ये मलाई बोटी तो बिल्कुल वैसी ही अपनी कराची वाली, इसमें कोई दो राह नहीं है, बस वो उसमें ज़रा सॉस ज़्यादा होता है, इसमें सॉस कम है, बट बॉस टेस्ट वही है। ये देखो गरम गरम बोटी, इससे पहले मुझे कटल फिश खाई थी ना उससे पेट इतना भर गया था कि ये खाया नहीं जा रहा मुझसे, तो मैं सोच रहा हूँ इसको टेक अवे करवाऊँ, होटल जाके फिर जब रात को भूख लगेगी ना तब खाऊंगा, फिलहाल भाई ऑन पॉइंट है। और यूजुअली देखें हमें लगता है कि शायद हम ही मसाले खाते हैं, मगर अभी श्रीलंका में आने के बाद पता चला कि भाई ये खाले बल्कि कुछ जगहों पर तो हमसे भी ज़्यादा आगे के मसाले खाते हैं, तो ये हो गया मलेशिया हो गया या थाईलैंड में भी अगर आप करावी साइड पे जाए ना तो यहाँ पे भी आपको जो है ना बहुत मसाले मिलेंगे, मतलब हमने खुद एक्सपीरियंस किया है स्पाइसेस के लिहाज से। हाँ उनकी थोड़ी सी रेसिपीज़ डिफरेंट होती हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होते हैं, बट ये है कि वो आपको जो चटपटा चाहिए होता है वो कहीं ना कहीं मिल जाता है। बाहर यहाँ मैं कहूँगा इस स्ट्रीट पर, अभी हम दूसरे शहर भी गए बट इस स्ट्रीट पर अब्दुल हमीद स्ट्रीट पर आपको जो खाना मिलेगा ना वो क्लोज टू कराची के टेस्ट वाला कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बिरयानी भी अवेलेबल है, मगर आज बिरयानी का हमारा मूड नहीं था यार, कितना खाएं बिरयानी। तो हमने अभी ये मलाई टिक्का ट्राई किया, वो कटल फिश जो कि मेरे लिए न्यू थी वो ट्राई की, तो बड़ा मज़ा आया। तो चलो भाई अब इसको थोड़ा सा एंड करते हैं इस ब्लॉग को, बट एंड ऐसा नहीं होगा बता दें। अच्छा अभी आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि यार थोड़ा सा प्राइस बता दूँ, अभी जो लास्ट जो हमने कटल फिश खाई वहाँ पे हमने एक पानी की बॉटल ली थी और दो अदद पराठे थे, और वो कटल फिश का जो आप प्लेटर देख रहे थे वो था वो श्रीलंकन तकरीबन हमें 2700 रुपये का पड़ा, और लगभग अब श्रीलंका और पाकिस्तान की करेंसी भी सेम है तो समझे 2700 रुपये पाकिस्तानी वो हमें वो डिश पड़ी। और अभी जो हमने ये मलाई जो बोटी खाई है विद एक चपाती के साथ वो हमें तकरीबन 1000 रुपये श्रीलंकन रुपीज़ में पड़ी है, जो कि पाकिस्तानी भी अब ऑलमोस्ट 1000 रुपये हो जाते हैं। तो हाँ महंगाई अब आपको फ़र्क पता चल रहा होगा कि तकरीबन अगर कोई चीज़ पाकिस्तान में 400 रुपए की है तो वो यहाँ 1000 रुपए की मिल रही होती है, थोड़े से यहाँ पे महंगाई के मसले हैं। तो जब कभी भी आप श्रीलंका आएँ तो ये ज़रा से ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो चीज़ों का जो फ़र्क है ना एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, यहाँ पे थोड़ा सा आपको महंगाई मिलेगी, मतलब डबल से भी अक्सर जगहों पर ज़्यादा मिल रही है। तो भाई ये तीन फ्लेवर आ रहे हैं, मतलब मिक्स, भाई ने बोला कि मिक्स नहीं करो और क्या टेस्ट आया, मजा आ गया। तो भाई मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, सो व्हाट डू यू कॉल इट, दिस वन इज मोजिटो, लेमन मिंट मोजिटो, लेमन मिंट मोजिटो। अरे यार मजा आ गया, खाना काफी खा लिया था तो अब ये पी के थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो गया, इट्स परफेक्ट, थैंक्स, थैंक यू, मिक्स या